आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में उथल पुथल है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार और जेडीयू ने अलायंस से ही नाता तोड़ लिया और एनडीए का हिस्सा बन गई। पंजाब में आप को लेकर भी रसाकसी तेज है। कहा जाने लगा है कि आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक को कुछ और बड़े झटके लग सकते हैं। फिलहाल दो बड़ी पार्टियों बंगाल में टीएमसी और बिहार में जेडीयू के इंडिया ब्लॉक से एग्जिट होने के बाद लोकसभा सीटों का गणित बदल गया है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक का गठन किया था। इसके सूत्रधार जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार थे। डेढ़ साल पहले नीतीश ही विपक्ष के तमाम नेताओं से मिलने के लिए उनके राज्यों में गए, वहां गठबंधन की रूपरेखा पर बात की और 23 जून 2023 को पटना में ही पहली बैठक रखी। उसके बाद बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में बैठक आयोजित की गई, लेकिन इन बैठकों में ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझ पाया, ना इंडिया ब्लॉक के चेयरपर्सन और ना कन्वीनियर के नाम पर सहमति बन सकी। बाद में वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन घोषित किया गया, वहीं नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए तैयार नहीं थे। विपक्षी दलों का प्लान था कि सभी 543 सीटों पर अपने जिताऊ उम्मीदवार उतारे जाएं और 60% वोटों को जुटाकर बीजेपी की एनडीए सरकार को सत्ता से हटाया जाए। लेकिन कुछ ही महीने के अंदर हालात ये बने हैं कि पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, अब नीतीश ने भी इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ दिया। 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता ने जब यह ऐलान किया तब उनके मन में उपेक्षा का दर्द और तल्खी भी देखने को मिली। ममता का कहना था कि मैंने जो भी सुझाव दिए थे वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उन्हें नहीं दी गई। ममता का कहना था कि इस तरह के अपमान के बावजूद मैंने समझौता कर लिया और इंडिया ब्लॉक की बैठकों में हिस्सा लिया। हालांकि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों का कहना है कि ममता को मना लिया जाएगा और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ममता फिलहाल मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अगर ममता एकला चलो की राह पर आगे बढ़ती हैं तो जाहिर तौर पर बंगाल में इंडिया ब्लॉक की ताकत न सिर्फ घट जाएगी बल्कि सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में अगर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बंगाल में टीएमसी 40 सीटों पर दावेदारी कर रही है जबकि लेफ्ट के लिए कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। टीएमसी ने झारखंड, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और बिहार में भी उम्मीदवार उतारे थे। कुल 63 उम्मीदवार चुनाव लड़े लेकिन बंगाल के अलावा कहीं पार्टी का जादू नहीं चल सका। इसी तरह बिहार में जेडीयू के एनडीए का हिस्सा बनने से इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा है। अलायंस के सूत्रधार के साथ ही साथ छोड़ने से इंडिया ब्लॉक पर कई नई आफत आ गई है। इससे न सिर्फ विपक्षी एकता धड़ाम हुई बल्कि आगामी चुनाव में इंडिया ब्लॉक की संभावनाओं पर भी एक तरह से ग्रहण लग गया। नीतीश ने ही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्लान प्रूफ फुल प्रूफ प्लान बनाया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जेडीयू के अलग होने से बिहार में इंडिया ब्लॉक के अंदर सीट शेयरिंग की बड़ी अड़चनें दूर होंगी। हालांकि महागठबंधन की एकता भी दरक गई है, इसका असर आम चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। आरजेडी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ा तो बीजेपी का बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे क्योंकि बीजेपी का मूल वोट बैंक 17 से 22% था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक पहलू यह भी है कि ममता बनर्जी नीतीश को इंडिया ब्लॉक का सबसे अहम सूत्रधार माना जाता था। दोनों के साथ छोड़ जाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्योंकि ममता और नीतीश ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पंजाब में आप और यूपी में सपा से भी कांग्रेस की खींचतान चल रही है। जानकार कहते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच नजदीकियां बढ़ सकती हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा जबकि कांग्रेस और आप अलायंस से सरकार की छवि और भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह यूपी में बसपा इंडिया अलायंस से बाहर है। 2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। झारखंड में भी इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार खेमे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पवार ने भी एनडीए में आने के कयास लगाए हैं। पिछले साल एनसीपी से बगावत करने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं, अपने चाचा शरद पवार को मनाने में जुट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि पवार से सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ सकती है, ऐसे में फिर से बड़ा नुकसान इंडिया अलायंस को हो सकता है।